नमस्कार, हेल्थ थिंक में आपका स्वागत है। एक नई बीमारी दुनिया को तेजी से अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है। चीन से लेकर फिलीपींस और चेक रिपब्लिक से लेकर नीदरलैंड्स तक इस बीमारी के शिकार लोगों की तादाद रिकॉर्ड तेजी से बढ़ती जा रही है। चीन की नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक चीन में इसके 32,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। क्या है ये बीमारी और कैसे पूरी दुनिया एक बार फिर से इस बड़ी बीमारी के आउटब्रेक की आशंका से दहशत में है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हेल्थिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिपोर्ट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी मिल सके और इस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकें। क्या है हूपिंग कफ की बीमारी? दोस्तों, जिस बीमारी को लेकर दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई है वो हूपिंग कफ या पर्टुसिस है। भारत में इसे हम काली खांसी के रूप में भी जानते हैं। हूपिंग कफ फेफड़ा संबंधी एक बेहद संक्रामक बीमारी है, जो कि बोर्डोटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तेजी से फैलने वाली इस बीमारी में खांसी के इतने तेज दौरे पड़ते हैं कि आदमी सांस के लिए भी तड़प जाता है। इस दौरान सांस लेने पर गले से एक अलग तरह की वूपिंग साउंड निकलती है, जिसकी वजह से इसे वूपिंग कफ कहा जाता है। ये बीमारी वैसे तो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बच्चों और नवजातों में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी वजह से न्यूमोनिया और सीजर्स से लेकर कई बार बच्चों की मौत भी हो जाती है। वूपिंग कफ के लक्षण। हूपिंग कफ या पर्टुसिस ज्यादातर जुकाम और हल्के बुखार के साथ शुरू होता है। शुरुआत में नाक से पानी गिरना, हल्की खांसी और हल्के फीवर के लक्षण आते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है कफ और खांसी की समस्या गंभीर होती चली जाती है। खांसी के दौरे इस तरीके से आते हैं कि कई बार उल्टी तक होने लगती है। बच्चों के मामले में सांस लेने के दौरान हालांकि कई बार वूपिंग साउंड नहीं आती, लेकिन इस दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और कई बार थोड़ी देर के लिए सांस बंद भी हो सकती है। कैसे फैलता है हूपिंग कफ? हूपिंग कफ या पर्टुसिस एक तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। ज्यादातर मामलों में ये खांसने और छींकने की वजह से हवा में फैलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए नए लोगों को संक्रमित करता है। बैक्टीरिया बोर्डोटेला पर्टुसिस गले और सांस की नली को प्रभावित करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एक खास तरह का टॉक्सिन निकलता है, जो कि सांस की नली में मौजूद पतले बाल जैसी संरचना, जिसे सीलिया कहते हैं, उसे डैमेज करता है। सीलिया सांस की नली से म्यूकस और धूल कणों को साफ करने का काम करता है, लेकिन सीलिया के डैमेज हो जाने की वजह से सांस नली में सूजन आ जाती है और खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं। सांस नली में अवरोध की वजह से ही ब्रीदिंग में भी दिक्कत आने लगती है। हूपिंग कफ से कैसे बचें? हूपिंग कफ से बचाव का सबसे आसान तरीका है वैक्सीनेशन। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को 2 महीने की उम्र से ही DTPA की वैक्सीन लगाई जाती है, जिसके कई डोज होते हैं। इस वैक्सीन से डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस से सुरक्षा मिलती है। बड़े लोगों के मामले में हूपिंग कफ से बचाव के लिए बूस्टर डोज की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी इस वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि नवजात बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा मिल सके। इस बेहद संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों ने इसका वैक्सीन लिया हो। पूरे परिवार का वैक्सीनेशन एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे सारे सदस्य इस खतरनाक बीमारी से बचे रहते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। खांसने और छींकने के बाद साबुन से हाथ धोना भी उतना ही जरूरी है। खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह को ढकना न भूलें। इससे संक्रमित ड्रॉपलेट्स हवा में नहीं फैलते और संक्रमण का चेन टूटता है। संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए तौलिए और बर्तन को यूज करने से भी बचें। जिन लोगों को पर्टुसिस के लक्षण हों, उनके लिए जरूरी है कि वो घर में रहें और पब्लिक प्लेस विजिट करने से बचें। लक्षण दिखने के साथ ही डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेना जरूरी होता है। इससे खांसी के दौरे कम होते हैं और संक्रमण को जल्दी खत्म करने में मदद मिलती है। तो ये तो वो सावधानियां हैं जिनका ख्याल रखकर हम खुद भी हूपिंग कफ यानी पर्टुसिस से बच सकते हैं और इसके संक्रमण को फैलने से भी रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सेहत और फिटनेस से जुड़ी इस तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हेल्थिंग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाजिर होंगे किसी और विषय पर जरूरी और फायदेमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। धन्यवाद।